वीडियो पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे आयुर्वेद के हेल्थी एंड ब्यूटी घरेलू देसी नुस्खे में। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, अगर जो आपके पोर्स, जो आपके क्लोज पोर्स हो चुके हैं दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपके चेहरे पर जो आपके पोर्स वगैरह होते हैं या नाक पर होते हैं या चेहरे पर होते हैं, तो दोस्तों आप जो ये किसी भी प्रकार के कील है, मुहासे हैं, अपने चेहरे को साफ कर सकते हैं। तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बस आपको वो करना है दोस्तों, और अपने चेहरे के कितने भी पुराने कील मुहासे हो, ब्लैक हेड हो, बम्स हो या कील्स हो, अपने चेहरे की बिल्कुल आप साफ कर सकते हैं। तो मैं आपको ऐसा घरेलू नुस्खा बताऊंगा, बस आप कुछ दिन इसको अप्लाई करेंगे तो दोस्तों अपने चेहरे को बिल्कुल साफ सुथरा बना सकते हैं। और यह आप किसी शादी या पार्टी में जाते हैं उससे पहले भी आप यह कर सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है, जो मैं आपको बताऊं बस आपको उसका यूज करना है। सबसे पहले मैं तीन तरीके आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो तरीका है दोस्तों, आपको नीम के पत्ते लाने हैं, और नीम के पत्ता लाने के बाद दोस्तों उसे अच्छी तरीके से उबाल लें। उबालने के बाद दोस्तों उस पानी में इतना उबालें जब तक उसकी स्टीम आपके उबल उबल कर बाहर ना आने लगे दोस्तों। फिर आपको जैसे स्टीम भपारा लेते हैं उस तरीके से अपने चेहरे पर आपको स्टीम लेनी है दोस्तों, इसकी नीम के पत्तों की स्टीम लेनी है, जिससे आपके जो अंदर की जो गंदगी है उसे बिल्कुल बाहर करेगी और उसे जो खींचना शुरू करेगी। और दूसरी रेमेडीज आपको क्या करना है, जो आपको घर पर बनाना है दोस्तों, क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये करने के बाद दूसरी रेमेडीज, यहाँ पर आपको थोड़ा मिल्तानी मिट्टी लेना है, और किसी भी मार्केट से आप ला सकते हैं, चारकोल लाना है, इसका एक पाउडर आता है। चारकोल लाने के बाद दोस्तों उसमें थोड़ा शुगर डालें और थोड़ा वहां पर आपको शहद डालना है, और उसमें थोड़ा पानी डाल करके बस आपको चारकोल फेस पैक बनाना है दोस्तों, और अपने चेहरे पर उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद कुछ समय तक उसे अप्लाई करके छोड़ दें दोस्तों, और उसके बाद जब आप चारकोल ले जो फेस पैक को आप उतारेंगे तो दोस्तों आपके जो कील मुहासे हैं चेहरे को बिल्कुल साफ कर देगा और किसी भी प्रकार की गंदगी आपके चेहरे पर नहीं दिखाई देगी। और तीसरी रेमेडीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो यहां पर आपको क्या करना है, तीसरी रेमेडीज ये आपको जो आपका नीम का जो पानी बचा हुआ है उबला हुआ वो लेना है दोस्तों, और उसमें एप्पल का सिरका लेना है। तो एप्पल सिरका लेना है, और उसको लेने के बाद उसे आप फ्रीज में जमा दें। छोटी छोटी आपको आइस बना लेनी है, और फिर उसके बाद सुबह को आपको अपने चेहरे पर उसको अप्लाई करना है। और जो आप ऐसा कुछ समय तक करेंगे तो दोस्तों किसी भी प्रकार की आपके पिंपल्स हैं या आपके कील मुहासे हैं, आपके जैसे कि चेहरे पर आपके दाने हो जाते हैं, वो काले काले ब्लैक हेड, वो सब हट जाएंगे दोस्तों। अगर जो जानकारी पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे चैनल को। तो मिलेंगे फिर एक नई जानकारी के साथ, फिर से नमस्कार।